फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज मैं जमशेदपुर से फिर एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज दाना साइक्लोन का बहुत ज़्यादा कहर है झारखंड में, क्योंकि झारखंड एकदम सटा हुआ है बंगाल और उड़ीसा के साथ, इसलिए आज बाहर निकलना बहुत रिस्की है। और मैं आपको जमशेदपुर जिस चीज़ के लिए फेमस है, जमशेदपुर का जो आज यहाँ आप अवस्थान देख रहे हैं, जिस कंपनी के चलते जमशेदपुर है, उसके बारे में और उसका कुछ वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा। और बने रहिए वीडियो में। ये देखिए जमशेदपुर टाउन है और आप दूर से देख सकते हो, और धुआं उठ रहा है देखिए, वो टाटा स्टील है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर हूँ और होस्ट के घर में हूँ, और मैं आपको टाटा स्टील का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, और कुछ अंश जमशेदपुर का भी दिखाता हूँ। देख रहे हैं कि जो है टाटा स्टील, पहले टाटा स्टील लिमिटेड से जाना जाता है था, पर अब टाटा स्टील ही बोला जाता है। बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों के तादाद में आदमी काम करते हैं। पहले जहाँ पर ये अवस्थित है देखिए, उसके पास एक रास्ता है जिसे काली माटी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर कुछ आदिवासी घर हुआ करता था, जिसे काली माटी के नाम से जाना जाता था। काली माटी और साक्षी दोनों ही बोला जाता था। आज वो रोड अभी भी मौजूद है जिसको काली माटी के नाम से जाना जाता है, और पूरा विस्तृत एरिया को साक्षी बोला जाता है। ये कंपनी 7-8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित है। ये कंपनी अगर यहाँ नहीं होती तो जमशेदपुर का कल्पना करना ही मुश्किल है। देखिए मैं आपको उसके आसपास का एरिया दिखाता हूँ। कंपनी की कंपनी से बिल्कुल नज़दीक साक्षी है, बिष्टुपुर है, उसके चारों तरफ आप स्टेशन है, रुपसलाई है, बरामाइंस है, प्लांट बस्ती है, ये सारा एरिया हीर की कंपनी है। टाटा साहब बड़ी सोच है जगह चुन के इस कंपनी का स्थापना किए थे। ये देखिए इसके उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग दलमा के नाम से जानते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी दूर है फिर भी जितना आ रहा है देखिए आप। जो पहाड़ी दिख रहा है इसके जस्ट नीचे डिमना लेक है, बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। और ये पहाड़ से वहाँ से आप आइएगा, और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी है, और इस नदी से पानी लेके स्टील कंपनी को सप्लाई किया जाता है, और पूरा जमशेदपुर को इससे पानी दिया जाता है। बहुत सुव्यवस्थित पानी मिलता है यहाँ, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही साफ सफाई इसका ध्यान रखती है कंपनी। टाटा कंपनी के बहुत बहुत धन्यवाद। और टाटा कंपनी थी इसको, इसके चलते मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, और आपको जमशेदपुर सिटी या टाटा नगर रेलवे स्टेशन या टाटा के नाम से इसको जाना जाता है, और उसका वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए पूरा जमशेदपुर का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं, और दाना साइक्लोन का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है यहाँ, इसलिए आप रोड घाट देखिए, आपको रास्ता हम दिखा रहे हैं, कहीं भी आपको आदमी नहीं दिखे। दोस्तों फिर से देखिए टाटा स्टील कंपनी, इसी का वीडियो मैं दिखाना चाह रहा था। मैं अंदर से आपको दिखा नहीं सकता है, कोई बाहरी आदमी को वहाँ अलाव नहीं है, सिर्फ जो कर्मचारी हैं या ठेकाकर्मी जो भी ऑफिसों के अंदर काम करते हैं उसी को ही अलाव किया जाता है। गेट से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको दूर से इसका भव्यता और कितनी बृहद है वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों फिर दूसरा वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।